पार्टी प्रत्याशी नीतू यादव ने पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर के मार्गदर्शन में जनसंपर्क कर वोट मांगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड नंबर 63 त्रिनगर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नीतू यादव ने पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर के मार्गदर्शन में जीत के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रत्याशी नीतू यादव ने वार्ड में घर घर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने त्रिनगर वार्ड के नारंग कॉलोनी और हंसापुरी में पदयात्रा कर मतदाताओं से वोट मांगे। घर घर जनसंपर्क के दौरान लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी नीतू यादव के साथ पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, विधायक प्रीति तोमर, रामपुरा वार्ड के पूर्व पार्षद राजीव यादव मौजूद रहे। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आरके जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ त्रिनगर में। स्वयं कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने कैंपेन संभाल लिया, खुद सर को पर है। यार सर, क्या माहौल लग रहा है? आप अगर चल के देखें तो लोग घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं और अपने आप कह रहे हैं कि हम तो झाड़ू को वोट देंगे, काम को वोट देंगे। आप देख लीजिए, तमाम लोग निकल के घरों से बाहर आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष सारे, और कह रहे हैं कि हम तो काम को वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, आपने काम किया, मैंने काम किया है, यहाँ पे तो काम को लोग वोट दे रहे हैं। अगर हम समस्या की बात करें तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, ये जहाँ पर भी हम हैं नारंग कॉलोनी में, वहाँ पर 10 गलियाँ हैं। 10 की 10 गलियों में मैंने पानी की लाइन चेंज करा दी, सीवर की लाइन चेंज करा दी, मैंने तमाम लाइटें लगवाई घरों के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, कम से कम 200 लाइटें लगी होंगी नारंग कॉलोनी के अंदर, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, सारे काम कराए यहाँ पे। अभी नारंग कॉलोनी में समस्या नाम की चीज़ नहीं है। और जो 10 गलियाँ हैं जिन पे लाइन चेंज की हैं, वो गलियों के टेंडर पास हो गए, सब नहीं बना भी रहा हूँ। एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार है, एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार है, कैसे दूर करेंगे? पर लीटर का खेल चलता है यहाँ पे, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। उस खेल को भी दूर करेंगे। उस खेल को दूर करेंगे, उसके लिए कानून बनाएंगे कि जो मकान बनाएगा नक्शे से बनाएगा, और हम उसको रेगुलराइज करेंगे चीजों को। देख रहे हैं जगह जगह स्वागत चल रहा है, जगह जगह अभिनंदन चल रहा है इनका, और जगह जगह जो कूड़े के ढेर लग गए दिल्ली में, इसको हटाने की क्या प्लानिंग है आपके पास? आप लगातार हमला कर रहे हैं भाजपा पर। देखिए, जो पहाड़ 15 साल में बीजेपी ने बनाए हैं कूड़े के, उनको हम रिसाइकिल करेंगे। और जो अब जब हमारी सरकार बनने वाली है, अब 7 तारीख को हमारी सरकार एनसीपी में बन जाएगी, इसके बाद हम जो कूड़ा पूरे दिन इकट्ठा होगा एक दिन में, उसको हाथ के हाथ उसका निस्तारण करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, ताकि उसके ढेर ना लगे। ये हम करने जा रहे हैं। भाई जितेंद्र सिंह तोमर, कितना समर्थन मिल रहा है यहाँ पे? देखो, मैं बता दूँ, हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री तोमर जी है, उन्होंने बहुत काम किया है, लोगों के दिल में बसे हैं, एक एक घर से उनका पारिवारिक नाता है। आइए हम सीधा बात करते हैं, विधायक प्रीति तोमर जी आज खुद सड़कों पर हैं, क्या अपील कर रही है यहाँ के लोगों से? जनता से यही अपील करिए कि 8 साल अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पर हमें वोट दें, पार्टी के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट दें। काम किया है हमने। भाजपा के स्टार प्रचारक आपके विधानसभा में घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता, कुछ नहीं होगा। लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि जिस पार्टी ने काम किया उसी को वोट देंगे, कितने भी स्टार प्रचारक बुला लें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद में स्टार प्रचारक हैं। माहौल है आपका यहाँ पर, आप देख सकते हैं कैसा माहौल है, जनता बहुत खुश है, काम से खुश है। जो तोमर जी ने, प्रीति मैम ने जो अपने इलाके में, अपने वार्ड में जो काम किया है, उससे जनता बहुत खुश है, आप माहौल देख सकते हैं। पार्षद बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पे जो मेन समस्या है वो गाय की, कुत्तों की, आपकी सफाई की, जाली की, यहाँ के लोगों की मेन समस्या यही है सबसे ज़्यादा। तो जो लोगों की भी समस्याएं होगी हम उन्हीं पे पहले काम करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे समस्याएं में मुख्य सफाई की है, अतिक्रमण की है। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।